भाई शैंकी, अब मुझे पता लगा कि तेरे एक्चुअल में शौक क्या है। ये शैंकी का घर है, तुम देख सकते हो शैंकी का रूम है ये, एंड शैंकी के पास इतना सारा कलेक्शन है। ये वही सांप है जिसकी वजह सिस्टम भाई अपने जेल में है ना शैंकी। ये मतलब आपने ही तस्करी करी थी, इंटरव्यू ले रहा हूँ शैंकी पे आपका, ये वीडियो काफी वायरल जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। शैंकी नहीं भाई। अच्छा, तो ये आपके शौक कैसे है शैंकी, ऐसे कब कब से आपने ये सांप के शौक चालू करे अपने? बचपन से। तो चलो ये तो वैसे ना शैंकी का है ना ये मेरा है, ऐसे ये एक अपने रैंडम फ्रेंड का है, ठीक है ना। और तुम देख सकते हो मेरा रूम भी नहीं है, है ना। तो जिसका है ये उसे क्या मिलाना है ऐसे, तुम आते हो अभी थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के प्रति थोड़ा हैवी सीन चल रहा है ना, तो किसी को भी ऐसे वीडियो में आने से डर लग रहा है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, कलेक्शन में दिखा देता हूँ एंड मैं आउट हूँ उस चीज़ से, है ना। जो भी ऑफिशियल देख रहे हैं, जो भी बुरा माने मेरी बात से, भाई मैं आउट हूँ, मेरा कुछ नहीं है इसमें से एक भी साहब। ये सारे एक्जोटिक साहब है ना, मैं बस कलेक्शन दिखा रहा हूँ कि अच्छा एक्जोटिक साहब है ना, है ना। और ये सारे बाहर के हैं, बाहर के, और सारे वो साइट पे जो होता है क्या एक नाम होता है वो प्रवेश पोर्टल, प्रवेश के थ्रू ये हम पिट कर सकते हैं ना। हाँ, ये वो वाला है, ये वो वाले हैं सारे। अच्छा, वो रॉक की तरह लग रहा होगा। हाँ, पर वो येलो एनाकोंडा है, वो वाला येलो एनाकोंडा है, ठीक है। मैं शक्ल ही दिखाऊंगा जिस भाई की है, तो आप नहीं पहचान पाओगे ऐसे, ठीक है ना। ये देखो ये येलो एनाकोंडा है, ठीक है भाई। इनमें से कोई भी वेनमस नहीं हो, बता देते हैं, कोई वेनमस नहीं होता, कोई वेनमस नहीं है। ये एनगल्पर्स रहते हैं, पाइथन्स एंड ये बोआज वैरायटी, एनाकोंडा भी बोआ की वैरायटी में आता है, रेड टेल बोआ वगैरह। तो एनगल्पर्स रहते हैं, ये पूरा पूरा बंदे को खा जाते हैं, पूरा एनगल्प करते हैं एक ही बार में। क्या हो गया? वेनमस सांप पालना रखना इट इज़ इलीगल, ठीक है ना। पर ये वेनमस नहीं है, इनगल्फर्स है, वो भाई ने सही बोला। लेकिन मैं इसलिए तुम्हें ये बात इसमें दोबारा इसलिए तुम्हें सब जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यार तुम लोगों को पता लग जाए इतना कुछ सीरियस मैटर नहीं है। मैंने ऐसी बहुत सारे एक्जोटिक पेट्स, लीगल एक्जोटिक पेट्स मैंने स्टार्टिंग से अपने चैनल पर, मेन चैनल काफ़ी दिखाई है, एंड मैंने भी वो कंटेंट इसलिए अपना छोड़ा क्योंकि मुझे पता लग गया था कि यार सीरियस काफ़ी मतलब ऐसे एक वक्त हो जाता है एक्जोटिक पेट्स का मामला भी। लेकिन ठीक है, इट इज़ यूनिक, ठीक है ना। और ये सारे ये जिसके जो भी कलेक्टर है वो पेट करता है, पेट उनकी। हाँ भाई, हाँ मूव नहीं करता क्या ये? तो भाई इसका नाम क्या है? लूसी बॉल पाइथन ब्लू आइड, ये मैंने दिखाया भी पहले। ये अल्बाइनो है ना? नहीं, ये लूसी है, अल्बाइनो येलो कलर का। अच्छा, प्योर व्हाइट और आईज भी ब्लू है। आगे से पतला, पीछे से मोटा, कैसे नहीं है ये, काफी क्यूट लग रहा है। मैं तुम्हें बताया तो भाई मतलब बिल्कुल देखो, दोबारा बोलना पड़ रहा है, दिखा रहा हूँ शौक के लिए, दिखा रहा हूँ, काफी दिखाया मैंने पहले, दोबारा मैं ऐसे एक भाई से मिला, मैं चलो तुम लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, और अगर हम दिखाए भाई साथ साथ, ठीक है ना। ये तो अपने स्नेक हो गए एंड काफी फ्रीली मूव कर रहे हैं ना, एंड प्रॉपर जो इनका केज, जो प्रॉपर इनका बॉक्स होना चाहिए भाई ने प्रॉपर लीगैलिटी में रखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया बात है। और तुम देखो ये प्रॉपर इंक्लोजर बन रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल इंक्लोजर है इन सांप का, है ना। तो वही वाली बात है कि हम ये दिखाने के लिए यहाँ पे लाए हुए हैं ना, तो ये पेट नहीं करते भाई आप, मतलब तो ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे आपके पास? अब तो आपकी शक्ल नहीं रहती पूरा, आपसे मैं खुलासा ऐसे जानना चाहूंगा, कैसे आपके पास अभी हैं? बहुत सेलर्स हैं, बेचते हैं, अब शौक है तो पालेंगे। तो आप पालते हो इन्हें? नहीं पालना क्या, हाँ शौक है, पाल रहे हैं, एक टाइम बाद दे देंगे आगे। सीधी चीज देखो, हर कोई शौक परमानेंट नहीं होता मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे जैसे इंसान के लिए तो अभी शौक है, तो आप देख सकते हो अच्छा खासा इंक्लोजर भी बन रहा है, सब बन रहा है, पर आगे जाके देखते हैं रखना नहीं रखना, वो तो अब लीगलाइज और सब एक चीज। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मतलब मुझे बताओ जैसे आजकल जो इतना केस चल रहा है, मेरे को जानना है, ठीक है ना, एक्सोटिक पेट्स, एक्सोटिक स्नेक सब कुछ रखना तो ऐसे लीगल है ही ना, पर साइड के थ्रू। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट को एक बहुत, आज मेरी शक्ल नहीं दिखी तो मैं खुलासा कर देता हूँ, खुलासा को सिर्फ पैसे चाहिए। अच्छा, अगर कोई आज की डेट में कोई पुलिस वाला सांप पकड़ता है ना, आपसे 2 लाख रुपए देगा, केस भी हटा देगा। अच्छा, पहले इस चीज को वो सॉल्व करे, फिर जाके परवेश और पेपर की बात करे। और परवेश साइड, परवेश की साइड में भी चल रही है आजकल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, परवेश साइड 2021 में ही बंद कर दी थी हम लोग। हाँ, कहाँ से कर दे रजिस्टर? हाँ, या तो खोल के कर लो, हम तो देखो हम तो शौकीन लोग हैं, हम तो बता देंगे भाई कहाँ से आया, कैसे आया, सांप दोगे हमें वापस? नहीं भाई, गवर्नमेंट में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वाले और बहुत सारे एनजीओ ऐसी हैं जो छापे मारती हैं, सांप अलग बेच देती हैं और पैसे अलग खाती हैं। अच्छा, चलो इन सब बातों को इतना ज़्यादा मतलब क्या तुम लोग समझ लो, बस वो मेन है ना। एंड मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, है ना, है ना, ठीक है। तो जो आर्टिकल फेमस होगा उसे हटा दो। नहीं, बस मेरा ये फेवरेट एक तरीके से आप बोल लो शौक था मुझे ऐसे दिखाना काफ़ी एक्जोटिक पेट, जो कि अब वो गाड़ियों में तब्दील हो गया है ना, तो वही वाली बात है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि जो अपने यहाँ पे शैंकी भाई है, इनका थोड़ा ज़्यादा दिलचस्पी है। अच्छा, शैंकी भाई पहली बार ये सब चीज़ देख रहे हैं ना, मैं तो बहुत देखता आया हूँ। शैंकी भाई, ये मन नहीं कर रहा आपको जानने का कि ये क्या है? क्या ये बकरी है? क्या क्या है ये? मिस्टर एक्स, ये तो वो है क्रेफिश। क्रेफिश कहते हैं लॉबस्टर, ये तो लीगल है, ये तो हर मच्छी वाली दुकान पे मिलती है। हाँ, ये ये तो ब्रीडिंग के लिए रखी हुई है, खाते भी है ना लोग। अच्छा, भाई चिकन, हाँ लोग खाते भी हैं। और यहाँ पे प्रॉपर
फिश का एक्वेरियम भी है बहुत सही। अच्छा अंदर देख सकते हैं कुछ तो ऐसा है, ठीक है। और भाई और बाकी सब तो ऐसी है, मेन वो है उसके अंदर मैं आपको एक फिश दिखाता हूँ, मेरी वो फेवरेट। हाँ, फिश दिखाओ। ऊपर से एक फ्रॉग भी थी यार, वो दिखाओ वहाँ पे नीचे, वो नीचे जो सबसे नीचे है ना, ये वो कैटफिश है, चाका चाका कैटफिश, ये रेयर कैटफिश है। और भाई वो फ्रॉग फ्रॉग दिखाओ यार, फ्रॉग तो ये ऑस्ट्रेलियन ट्री फ्रॉग है, कितना क्यूट लग रहा है यार। ये भी लीगल ही है ना ऐसे? हाँ, यार देखो जो चीज हिंदुस्तानी नहीं है। हाँ? और जो देखो, हाँ, 1972 एक एक्ट है जो अपने इंडियन एनिमल्स के लिए है। हाँ? और बाहर के जानवर आप कुछ भी पाल सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इग्वानास इन्वेसिव हो गई तो वो इलीगल हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने इग्वाना, ग्रीन इग्वाना इलीगल हो गई है, म्यूटेशन इन्वेसिव हो गई है, अब वो वाइल्ड में मिल रही है। इग्वाना सच में इलीगल हो गई है, मिल रही है इग्वाना, तो इतनी सारी हमने वीडियो आई इग्वाना पाल रहे लोग आज भी कंपेयर करते हैं। इग्वाना इलीगल हो गई है, अब इग्वाना साइटीज के अंदर आ गई है, और साइटीज में भी सेक्शन 1 के अंदर है या सेक्शन 2 के अंदर है, जिस वजह से आप इग्वाना को पेट नहीं कर सकते हो। अगर पेपर नहीं है तो वाइल्ड लाइफ वाला लीगली उसे कर सकता है कॉन्फिस्केट, और उसके बाद आप उससे उसके पेपर्स भी मांग सकते हो कि उसने जू में कब दिए और कहाँ छोड़ा है उसको। अच्छा चलो ये तो ठीक है, पर भाई ने ये वाली बात बहुत ठीक बोली कि यार अगर इंडियन ब्रीड नहीं है तब वो लीगल है, इंडियन ब्रीड ऐसे अपने पास रखना सर वो इल्लीगल, जैसे हम देखते ह्यूमन। और दूसरी चीज भाई, नंकी केस में मैं भी, कोई चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक चीज बोलूंगा भाई, देखो अपने कलम की पावर बहुत बड़ी है और मैं मानता हूँ उस चीज को। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को कभी प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये जानवर कौन सा है। अच्छा, अभी हमने एनाकोंडा देखा, वो उसको रॉक पाइथन भी बना सकता है। अच्छा, और अगर उसने लिख दिया तो लिख दिया, आप कोर्ट भी चले जाओ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो जितना छुपा के रखो उतना ज्यादा। हाँ, जितना छुपा के रखो। और मेरा कोई रोल नहीं है, पहले बता देता हूँ, मैं इन सब चीजों से बहुत बाहर हूँ, है ना, बताना जरूरी है ना शैंकी, ये सारी चीजें इन भाई की है, ठीक है। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो डर का माहौल इतना बन रखा है ना, स्पेशली इस एल्विश वाले केस की वजह से। डर का माहौल नहीं है, एल्विश का रेव पार्टीज पॉइजन की वजह से है, जो नार्कोटेक्स भी इंक्लूड हुआ है, स्नेक पॉइजन, जो स्नेक पॉइजन, और वो भी कोई सच नहीं है, कोई स्नेक वेनम निकालना कोई बायात की खेल नहीं। चलो ये चीज तुम ऐसे कभी ऐसे क्या जिक्र करें, लेकिन यस यस पेट करना अलग चीज है, और उसको स्नेक पॉइजन रेव पार्टीज में देना वो बहुत अलग चीज है, अभी इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। यस, लेकिन एक चीज़ है कि एक बार तो मैंने भी मार्मोसेट अपने घर पे कुछ दिन के लिए मैंने भी पेट किया था, ठीक है, तो मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी प्यार है। मार्मोसेट का एक ऐसा कलेश है, मार्मोसेट जहाँ से आता है, मार्मोसेट इज इंडोनेशियाज मंकी, पॉकेट मंकी, पॉकेट मंकी, और वो वहाँ पे बैन है क्योंकि अच्छा, वो एंडेंजर्ड एनिमल है। अच्छा, तब तो बहुत वैसी वाली, और वो चीज़ें तब इंडिया में पता नहीं थी, गलतियां होती है सबसे यार, अब सीख गए, अब थोड़ी है। हाँ, अब थोड़ा मतलब, हाँ, बिल्कुल, अब नहीं है, वो एक टाइम था जो हमने शॉक में रख लिया, मैं तो प्रॉपर ट्रैक दिखाया ना, कब आया, कब कैसे गया, आया और किससे आया। हाँ, और फिर कैसे हमने दिया वापस, उनसे बात करो अब। हाँ, उनसे बात करना है ना, वो संभाल लेंगे सब, ठीक है ना, मेरा कोई रोल नहीं है, पहले बताया तो, ठीक है ना, उन्हीं का माल है, उन्हीं का माल है ये सब, ठीक है ना। मुझे तो बस ऐसा है कि मैं मिलने आया एक भाई से, मैं तुम लोगों को दिखाऊं साथ साथ, बहुत टाइम हो गया था ऐसे कुछ दिखाए, ठीक है जी, ओके जी।